हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज जो आपका क्लास 11th का इंग्लिश का होमवर्क आया है, यहाँ पर डेट है 23, वही चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पार्ट थर्ड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड सन्स। यहाँ पर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन के अंदर रिलेशनशिप के अंदर टर्निंग पॉइंट कब आया? द टर्निंग पॉइंट इन द ग्रैंड सन्स एंड हिज ग्रैंड मदर्स फ्रेंडशिप केम। टर्निंग पॉइंट तब आया व्हेन द ऑथर वाज समन टू द सिटी बाय हिज पेरेंट्स, जब ऑथर को उसके मम्मी पापा ने शहर में बुला लिया। पहले तो वो गांव में रहते थे, गांव में रहते थे तो दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जब शहर में बुला लिया तो उनकी दोस्ती में टर्निंग पॉइंट आ गया। व्हाट डज द ग्रैंड मदर आस्क टू ग्रैंड सन अबाउट टीचिंग, दादी माँ अपने पोते से टीचिंग के बारे में क्या पूछती है? व्हेन एवर ग्रैंड मा आस्क हिज ग्रैंड सन अबाउट व्हाट वाज टॉट इन स्कूल, ही वुड रिप्लाई सम इंग्लिश वर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। जब भी दादी माँ पूछती कि बेटा स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, तो वो कुछ अंग्रेजी के शब्द बता देता और विज्ञान के सिद्धांत बताता। दिस डिस्ट्रेस ग्रैंड मा फॉर शी कैन नॉट टीच हिम, इसे दादी माँ दुखी हो जाती कि वो अब इसे पढ़ा नहीं सकती हैं। एंड नथिंग वाज टू टॉट टू हिज ग्रैंड सन अबाउट गॉड एंड कल्चर, सो शी वाज डिस्ट्रेस। और पोते को भगवान और संस्कृति के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती। वाई म्यूजिक लेसन्स डिस्टर्ब ग्रैंड मदर, वो जो संगीत सिखाया जा रहा था स्कूल में, उन संगीत से दादी माँ बहुत ज्यादा परेशान क्यों थी? शी फेल्ट ऑफेंडेड, उन्हें बड़ा दुख होता था दैट दे वर टीचिंग म्यूजिक एंड क्वाइटली वॉइस्ड हर डिसअप्रूवल। उन्हें बड़ा दुख होता था कि बच्चों को संगीत सिखाया जा रहा है और वो अपनी निराशा को स्पष्ट बताती थी। शी थॉट दैट म्यूजिक हैड ऑब्सेन एसोसिएशंस, वो सोचती थी कि म्यूजिक जो है ना वो बड़ा भद्दा होता है एंड वाज नॉट इंटेंडेड फॉर गुड एंड जेंटल फोक इंडिविजुअल, और वो अच्छे सभ्य घरों के लोगों के लिए नहीं है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, ये तो भिखारियों और वेश्याओं का काम की चीज है। व्हेन द ऑथर गॉट हिज न्यू रूम, ऑथर को अपना नया कमरा कब मिला? पहले तो वो दादी माँ के साथ रहता था। व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी ही हैज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, जब उसे यूनिवर्सिटी भेजा गया तब उसे अपना नया कमरा मिला, खुद का कमरा मिला। व्हाई द ग्रैंड मदर रेयरली टॉक टू ऑथर आफ्टर म्यूजिक लेसन, म्यूजिक लेसन की बात के बाद में दादी माँ ऑथर से कम बात क्यों करती थी? द ग्रैंड मदर एक्चुअली हेटेड म्यूजिक, दादी माँ को वास्तव में म्यूजिक से नफरत थी। शी वॉज अ ओल्ड कंजर्वेटिव लेडी, वो एक पुराने जमाने की सोच वाली, संकीर्ण सोच वाली महिला थी। हु हैड हर ओवन बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस, जिसके अपने विश्वास और अंधविश्वास थे। शी थॉट दैट म्यूजिक वॉज मेंट ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, उसका ये मानना था कि संगीत केवल प्रोस्टिट्यूट्स वेश्याओं और भिखारियों के लिए है। इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, ये अच्छे सभ्य परिवार के बच्चों के लिए नहीं है। म्यूजिक वॉज नॉट मेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज, और स्कूल जाने अच्छे परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए संगीत नहीं बनाए, इसलिए इसके बाद दादी माँ ऑथर से कम बात करती थी। थैंक यू।